हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद लोकेश। तो गाइज, जैसा कि हमने कल मैच देखा, मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब। वैसे तो मैच एक तरफा रहा गाइज, लेकिन चलिए हम आज इस वीडियो में उस मैच की बात करते, कल के मैच की, बिटवीन मुंबई एंड पंजाब। तो सबसे पहले जो है टॉस जीता केएल राहुल ने, और केएल राहुल ने भी ली बॉलिंग। तो गाइज, सबसे पहले जो ओपनिंग आते हैं क्विंटन डीकॉक और रोहित शर्मा। इस जो आईपीएल है, यहाँ पे क्विंटन डीकॉक का फॉर्म बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्विंटन डीकॉक को शेल्डन कॉटरेल ने 5 बॉल डॉट किए, उसके बाद में आउट भी किया। तो उसके बाद में जो बैटिंग करने हैं सूर्य कुमार यादव थोड़े अनलकी रहे रोहित शर्मा के साथ, वो रनआउट हो गए। रोहित शर्मा ने खेली एक ज़बरदस्त इनिंग, एक और ज़बरदस्त इनिंग कल रोहित ने खेली। रोहित ने 45 बॉल्स पे 70 रन बनाए, उसमें उन्होंने 8 चौके और 3 बड़े बड़े सिक्स लगाए। उसके बाद में ईशान किशन जो रोहित शर्मा जो है पार्टनरशिप बनाने के चक्कर में, ईशान किशन थोड़ा स्लो खेले। ईशान किशन ने 32 बॉल्स पे बनाए 28 रन, उसमें उन्होंने एक चौका और एक सिक्स लगाए। तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस के रन्स बनेंगे नहीं, 160-170 तक बनेंगे, लेकिन सबको पता है कि मुंबई इंडियंस के पास फायर पावर है। और लास्ट में जो उनके ऑलराउंडर्स है, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, अरन पोलार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो कल भी वैसे ही हुआ, आरसीबी के मैच में भी पहले विकेट गए थे, लेकिन पोलार्ड ने संभाल लिया था और ईशान किशन के साथ। लेकिन कल के मैच में पोलार्ड और हार्दिक पांड्या दोनों ने खेली एक ज़बरदस्त इनिंग और एक अच्छी पार्टनरशिप की। और पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड ने मात्र 20 बॉल पे 47 रन बनाए, उसमें उन्होंने 3 चौके और 4 बड़े सिक्स लगाए गाइस। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग कल पोलार्ड ने की, और पोलार्ड से हम सब ये उम्मीद करते कि लास्ट में आए और बड़े सिक्स लगाए, और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद में अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या ने भी एक ज़बरदस्त कैमियो खेला, 11 बॉल पे 30 रन बनाए, उसमें उन्होंने 3 चौके और 2 बड़े सिक्स लगाए। तो गाइज, ऐसा करते करते मुंबई का स्कोर जो 160 पे रुक जाना चाहिए था, 170 पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप की वजह से और इन दोनों की जो अच्छे अच्छे कैमियो खेले, उसके बदौलत मुंबई पहुंच गए 20 ओवर में 191 रन, 191 रन्स बनाए मुंबई इंडियंस ने। और अब जो है पंजाब को चाहिए थे 192 रन गाइज। तो 192 के हिसाब में जब हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के दो ओपनर मयंक अग्रवाल और केएल राहुल दोनों अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन कल अच्छा स्टार्ट मिला था पंजाब को, 4 ओवर में रन्स आ गए थे, लेकिन जो 5वां ओवर डाला बुमराह ने, तो बुमराह ने मयंक को आउट कर दिया और वहीं से मुंबई ने वापसी करना शुरू कर दिया। तो मयंक ने 18 बॉल पे 25 रन बनाए और उसमें उन्होंने 3 चौके मारे। उसके बाद में करुण नायर को पहली जल्दी आउट कर दिया कुणाल पांड्या ने, और एक अच्छा मूव था कल रोहित का कि कुणाल पांड्या को ओवर पावर प्ले में ओवर कराने का, बिकॉज उनका उतना ज़्यादा जो यूथ था वो हो नहीं रहा था इस जो मुंबई के स्क्वाड है उसमें, 2 ओवर 3 ओवर ही डाल रहे थे। लेकिन कल उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और ऊपर से करुण नायर को आउट कर दिया। फिर केएल राहुल और पुरन, केएल राहुल ने एक बहुत ही गंदा शॉट मारा, उस समय उस शॉट्स की जो दरकार नहीं थी गाइज, बिकॉज एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी निकोलस पुरन के साथ में, बट केएल राहुल ने पैडल स्विप करने के लिए गए और वो आउट हो गए गाइज। तो केएल भी जल्दी आउट हो गए, 17 ही रन बनाए 19 गेंदों में। लेकिन जब तक पुरन खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मैच अभी भी बना है। पुरन ने अच्छी इनिंग्स के लिए 27 बॉल में 44 रन बनाए, उसमें उन्होंने 3 चौके और 2 बड़े सिक्स भी लगाए। तो ग्लेन मैक्सवेल की बॉल लगनी रही थी, राहुल चहर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, आगे आगे खिलाते गए मैक्सवेल को, मैक्सवेल शॉट मारने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन जो अटैक होना चाहिए था वो हो ना सका। मैक्सवेल बहुत ज़्यादा स्लो खेलते रहे और रन बने ही नहीं गाइज। तो उसके बाद में बात करेंगे जिमी निशम की, जिमी निशम ने 7 बॉल पर 7 रन बनाए। यश खान की बात करेंगे तो उन्होंने 8 बॉल पे 7 रन बनाए सरफराज ने। कृष्णप्पा गौतम ने लास्ट में कुछ बड़े शॉट लगाए, 13 बॉल में 22 रन। रवि बिश्नोई तो एक बॉलर ही है, उनका कुछ नहीं हो सकता। शमी तो सब बहुत ही बोरिंग बैटिंग की कल पंजाब ने, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मात्र निकोलस पुरन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, उसके अलावा कोई लगा ही नहीं टच में। मयंक और राहुल ने मयंक तो अच्छी गेंद पे आउट हुए, लेकिन जो राहुल ने गलत शॉट किया वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। अगर हम बात करें कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग, सबको पता है एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, इनके पास बोल्ट है, बुमराह है, पैटिनसन, काफ़ी अच्छी एक पिक मिल चुके हैं इनको। लेकिन अगर बात करें ट्रेंट बोल्ट की, ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 42 रन देके एक विकेट लिया। उसके बाद में पैटिनसन ने 4 ओवर में 28 रन दिए और 2 बड़े विकेट्स लिए। जेम्स पैटिनसन काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 ओवर में 37 रन देके एक विकेट ली कुणाल पांड्या ने। और जसप्रीत बुमराह,
ये इनके गो टू मैन है और इन्होंने कल भी बहुत ही शानदार बॉल डाला, 4 ओवर में मात्र 18 रन देके 2 विकेट्स जसप्रीत ने ली। राहुल चहर एक काफ़ी यंगस्टर, एक अच्छा स्पिनर, लेग स्पिनर एक ही है मुंबई के पास, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, आगे भी डालते हैं, बॉल को टर्न भी कराते हैं। 4 ओवर में 26 रन देके उन्होंने ली 2 बड़े विकेट्स। तो गाइज ये थी मुंबई की बॉलिंग की बात, और पंजाब वन साइडेड मैच हार गया, 49 रन के साथ पंजाब हार गया। तो आइए अब हम बात करते हैं कि पंजाब ने कहाँ कहाँ गलती की। तो सबसे पहले जो मुझे लगा कि केएल राहुल ने शमी को सिर्फ एक ही ओवर दिया पावर प्ले में, वहाँ वो उनको कॉटरेल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो शमी के एक ओवर बनता था वहाँ पे। उसके बाद में जो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है डेथ ओवर में, बिकॉज इनके पास वैसा बॉलर नहीं है। शमी भी थोड़ा आगे के ओवर में अच्छा डालते, लेकिन लास्ट में थोड़े ज़्यादा इतना अच्छा नहीं बॉल गिर रहा था, थोड़े अनलकी रहे। 2-3 यॉर्कर अच्छे थे लेकिन वहाँ पे भी कट के चौके गए। उसके बाद में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि निशम का इस टीम में रोल क्या है। निशम पहले तो इतने लेट बल्लेबाजी को आते हैं और उनके पास जो बॉलिंग है उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो डेथ में डाल सके। इनके पास ऑप्शंस है, इनके पास जॉर्डन है जो कि डेथ और स्पेशलिस्ट है, उनको एक मैच में रन पड़े तो उनको निकाल दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज एक अच्छी जो है बॉलर है वो डेथ में भी बॉलिंग डालते हैं। उसके बाद में क्या है, क्रिस गेल को खिला सकते, सब लोग क्रिस गेल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, और क्रिस गेल आई थिंक अगले मैच से आपको दिखेंगे। तो एक दो चेंजेस करने चाहिए, बाकी बिश्नोई ने भी अच्छी बॉलिंग की, बिश्नोई अच्छे एक यंगस्टर निकल के आए हैं पंजाब के लिए। तो गाइज लास्ट के 3 ओवर में पंजाब ने 3 ओवर में 62 रन दिए, वहीं पे ज़्यादा पूरा का पूरा मैच पलट गया। अगर वहीं पे 1-2 विकेट मिल जाते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था, लेकिन वो तो यमाई की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। उनके पास जो ऐसे बैट्समैन है जो कि लास्ट में आके भी बहुत ज़्यादा रन बना सकते हैं, हमने RCB के मैच में देखा, हमने कल पंजाब के मैच में देखा। तो मुंबई ऑल ओवर बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है और टॉप 4 के लिए बहुत ही अच्छी एक दावेदार है। एंड आई होप कि पंजाब अपनी गलतियों से जल्दी सीखे। केएल राहुल एक नए कप्तान है, वो भी जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। तो ये था गाइस कल की वीडियो की हम बात हमने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।